respected participants, I again welcome you, though we have already welcomed you. मेरी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत थोड़ा सा टाइम दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कि 10-15 मिनट में इसको वाइंड अप करना है, सो इट वॉन्ट टेक टू मच. इंशाल्लाह मैं उसको तीन हिस्सों में है जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि कवर करूँ. लेकिन इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ. एक साहब थे, किसी मोहल्ले में शिफ्ट हुए, बड़े नमाजी परहेजगार, पाँचों वक्त नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते थे, तहज्जुद भी, तो अच्छी रेपुटेशन बन गई उनकी कुछ दिन में. तो एक दिन वो नमाज पढ़े थे, तो एक पुराने उनके पड़ोसी जो थे वो अपने किसी दोस्त से तारुफ करा रहे थे और कहने लगे कि बड़े नेक आदमी हैं, पाँचों वक्त मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ते हैं. इतना कह के वो खामोश हो गए. तो उन्होंने फ़ौरन सलाम फेर के कहा, इनको ये तो बताइए कि मैंने दो हज किए हुए. तो अभी ये मेरे दो हज का जिक्र करना भूल गए. मैंने अपना करियर शुरू किया था एज ए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर रैकेट टेन कोलमैन से, जो रैकेट बैंकीजर हो गई. तो जहाँ भी प्रोसेस की, सिस्टम्स की और उसकी बात आती है तो वो अंदर से एक ख्वाहिश सी शुरू हो जाती है उसके ऊपर. मैंने उस पर बड़ा काम किया था. तो बिस्मिल्लाह करके मैं शुरू करता हूँ और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा इंशाल्लाह. पाकिस्तान फूड एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर NTN नंबर है. जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर दैट इट्स अ प्रॉपर लेजिटिमेट एसोसिएशन एंड आवर विजन इज़ टू प्रमोट फूड एंड अलाइड सेक्टर लोकली एंड इंटरनेशनली. Our mission is to seek opportunities to promote food and allied industry through seminars, events, knowledge sharing and networking. ये वो tools हैं जिनको हम use करते हैं ताकि वो gap reduce करें और हम knowledge को share करें. और as per our article of association, as per our memorandum, we have 6 kinds of members, which includes founder member, life member, industrial member, individual, student members and honorary members, which includes consulate and dignitaries, etc. This portion, this student members is unique for us because हम उनको train करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि उनको industry से familiarize करें, which makes us a bit unique. ये हमारे कुछ members हैं, मैंने इनके logo लगा दिया, and if I miss something तो please इसको, क्योंकि मुझे एक slide में cover करना था. तो ये कुछ हमारे मेंबर्स हैं. ये हमारी कुछ एसोसिएशन जिनसे PFA ने MOU साइन किया है, इसमें काउंसिल जनरल्स भी हैं और दूसरी एसोसिएशन जिनके ऑब्जेक्टिव सिमिलर हैं, फूड और फूड से अलाइड जो सेक्टर है उसको प्रमोट करना, एजुकेट करना और फैसिलिटीज देना ताकि बिजनेस में और नेशनल लेवल पे उसके अंदर बेनिफिट आ सके. ये कुछ रिसेंट इवेंट्स हैं PFA के और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे इम्तियाज़ साहब भी मौजूद हैं, बहुत ही माशाल्लाह प्रोएक्टिव और पार्टिसिपेट करने वाले हैं फूड एसोसिएशन की तरफ से. अच्छा, ये मेरा ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के हवाले से. अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा फूड सेक्टर को हम देख लें कि हम टोटल कैनवस की क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में फूड का स्कोप क्या है. और पाकिस्तान जो है इस हमारी मेनली तो हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, 68% हम एग्रीकल्चर हैं और पॉपुलेशन के अतबार से हम दुनिया की छठे बड़ा मुल्क हैं. ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एरिया के लिहाज से हम 0.6% हैं वर्ल्ड का. ये बड़ी बात है और हमारे पास जो डाइवर्सिफिकेशन है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, सी, तो ये रिलेट करता है फूड से भी. 41st हैं हम GDP में, 33rd हैं हम परचेजिंग प्राइस पैरिटी के अंदर, परचेजिंग पावर पैरिटी में. और हमारा जो फूड है वो कोई 19% है हमारे GDP का. और फूड बिजनेस इज वन ऑफ द 4 सेक्टर्स जहां से गवर्नमेंट अर्न करती है और रिसेशंस में भी ये सेक्टर फंक्शनल रहता है. ये बहुत बड़ी बात है और अहम बात है. ये हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35% यंग लोग हैं और वो 38% ऑफ देयर इनकम स्पेंड करते हैं फूड में. ये थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स है लेकिन ये बड़ी अहम है जो हम आगे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ. उसमें ह्यूज पोटेंशियल है इस वक्त पाकिस्तान के पास प्रोसेस फूड के अंदर और इस वक्त इस डायरेक्शन भी उसी साइड पर है. और
प्राइमरी प्रोडक्शन इज अगेन वो सीरियल वगैरह ही है अभी तक, लेकिन ये कि अब हम प्रोसेस फूड पर जा रहे हैं, फूड इंडस्ट्री ऑपरेट करती है विथ फार्मर मैन्युफैक्चरर रिटेलर, सो इट्स अ सप्लाई चेन, कोई आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, यू हैव टू हैव टीम वर्क एंड सप्लाई, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन। पाकिस्तान के अंदर होलसेल अगर देखा जाए तो कोई 8 अरब रुपए की हमारी भी रिटेल की मार्केट है होलसेल की, और रिटेल की जिसमें कोई 2.5 लाख स्टोर्स हैं, और ये कंजर्वेटिव फिगर्स हैं। तकरीबन 2 करोड़ लोग हमारे अर्बन एरियाज में रहते हैं जो स्विच हो रहे हैं टूवर्ड्स रेडी फूड, टूवर्ड्स रिटेल और साइट पर, और इस वक्त जो इसमें ग्रोथ रेट है फूड में वो 8.2 है फास्ट फूड के अंदर। फ्रोजन फूड एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसके 4 मेन सेक्टर्स हैं, मिल्क एंड वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स है जिसमें आइसक्रीम वगैरह है, मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड रॉ वीट बेस्ड जिसमें पराठा समोसा ये सारी चीज़ें, ये सब इमर्जिंग हैं, हो चुकी हैं बल्कि काफ़ी हद तक जगह ले चुकी हैं। दैट कम्प्लीट्स माई सेकेंड पार्ट एंड नाउ दी ऑब्जेक्टिव फॉर विच वी हैव गैदर्ड हेयर, एंड अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। एज पर आर article of association and memorandum clause e, PFA to take concrete step and measures to reduce the interest of the member with any government departments. So with this clause hum jo yahan members hamare hain aur kyunki yahan higher heads aur senior log maujood hain sindh food authority ke, to hum is cheez ko discuss kar rahe hain taki hum ek page par hon aur जो चीज़ लेजिस्लेट हो चुकी है उसके अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम इसको देखें। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो 2016 में इनेक्टमेंट हुई इसकी, और इसको Section 3, Subsection 1 में सिंध फूड अथॉरिटी को March 2018 में नोटिफाई हुआ, तो उसके बाद से ये ऑपरेशनल है। Sindh Food Authority regulates and monitors food business. Objective is to provide safe and standard food. जो main इनका objective है वो ही पाकिस्तान फूड एसोसिएशन का भी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम ये फील करते हैं कि हम इनके साथ हमें शामिल होना चाहिए ताकि हम जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके। अभी तक इन्होंने बहुत एग्रेसिव काम किया है, इनकी वेबसाइट से ये मैंने डेटा लिया है, कोई 15,360 ऑपरेशन हो चुके हैं जिसके अंदर नोटिस भी इशू हुए हैं कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पे जो रेक्टिफिकेशन इनके हिसाब से वो भी हुए। विजन इनका जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी का इस एम्स टू इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो हमारे लिए वो है मिशन, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। वाइल वर्किंग ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, सिंध फूड अथॉरिटी एंड क्वालिटी इन द एंटायर फूड चेंज इन कोलैबोरेशन विद मैन्युफैक्चरर, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनॉमस बॉडीज एंड अदर शेयर होल्डर्स, इसके स्टेक होल्डर्स। इसके अंदर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इन्होंने इसको खुला रखा है और इस बात को इन्होंने रियलाइज़ किया है कि ये एक टीम वर्क की तरह होगा आइसोलेशन में ये चीज़ें, और ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी वो बात। हमारा कंसर्न जो है एज अ इंडस्ट्री है जो भी है वो ये है, जहाँ एग्रेसिव एक्शंस हम सुन रहे हैं, आई डोंट नो इसमें मैं इसको ये नहीं कहता कि ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए जो एग्रेसिव एक्शंस हैं कि गिरफ्तारियाँ हैं, पेनल्टीज़ हैं हैवी, ये सिर्फ हम 2-3 चीज़ें सामने रखेंगे और फिर जो जैसा फील करें हमारे मौजूद मेहमान अगर उसके ऊपर अभी कमेंट देते हैं, या हम कोई बाद में भी इसके ऊपर मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी का जो एक्ट है इसमें कोई 7 चैप्टर्स हैं और 63 सेक्शंस हैं, और सबसे अहम जो है इसमें लाइसेंसिंग है। अब लाइसेंसिंग के ऊपर भी मुझे बात याद आ गई, अगर प्रेसिडेंट साहब इजाज़त हो तो, एक प्रोफेसर साहब थे, ट्रू प्रोफेसर थे इन लिटरल मीनिंग्स, तो शादी के 15 साल बाद वो अपना परेशानी की हालत में कभी निकाह नामा उठा के देखते थे, फिर पसीना वसीना पूछते थे, फिर टहलने लगते थे। उनकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, मसला क्या, कहने लगे कि इसमें एक्सपायरी डेट कहाँ है, ये तो इलीगल डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए हमारा जो लाइसेंस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है 20 कैटेगरीज डिफाइन हुई हैं सेक्शन 19 में, जिसमें कैटेगरी ए से C6 तक हैं, इसमें तंदूर भी आता है कैटेगरी B4 में, और कैटेगरी सी में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ सकता है, और इनकी फीस 500 से 50,000 पर एनम वेरी करती है। लेकिन जो इसमें हम पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ वो ये कि जब लाइसेंस लेने जाते हैं तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं उसके कि CNIC हो,
प्रेमिसेस के डॉक्यूमेंट हों, इधर इज ओनिंग दैट प्रेमिसेस और टेनेंसी एग्रीमेंट, और उसका प्रीवियस अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसकी कॉपी, अगर नहीं है लैब टेस्ट रिपोर्ट। अब ये लैब टेस्ट रिपोर्ट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा कि कहाँ से लेनी है और क्या क्या चीज़ें टेस्ट होंगी, और किस फिर मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द स्टाफ, ये इसके प्री रिक्वेजिट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं इस लाइसेंस के, जो 20 कैटेगरी में ऑलमोस्ट सबको कवर करता है। एवरीबडी विद इंक्लूड्स होल सेलर, रिटेलर, किरियाना स्टोर, मैरिज हॉल्स विद और विदाउट किचन, फ्रूट शॉप्स, ये स्कोप है। तो इसलिए ये लॉ लेजिस्लेट हो चुका है। ये मैं एज अ लॉयर मैं एक बात वैसे आपको कहूँ कि अराउंड द वर्ल्ड ये मैक्सिमस है कि जो लेजिस्लेटर की विजडम है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो ये लॉ तो बन चुका है। अब लॉ को, एक्ट को चलाने के लिए रूल्स होते हैं या SROs होते हैं जो उसको स्टेयर करते हैं। ये वो वक्त है और यही वो राइट टाइम है जब हम इनके साथ बैठें और समझें कि ये किस तरीके से, उसकी मोडेलिटीज़ क्या होंगी, किस तरह से ऑपरेट होगा। और अगर अभी इसको हमने नहीं समझा तो चूंकि लॉ बन चुका है, जो इसको कंप्लाई नहीं करेगा वो उसके लिए ऑफेंसेस वगैरह हैं, पेनल्टीज हैं। जो एक ही मैं तीन सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ हाईलाइट करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं माइक इनको देता हूँ। चैप्टर 4 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को डील करता है। इसमें 26, 27, 28 और 32 ये वो सेक्शंस हैं जो हमारे लिए थोड़ा कंसर्न है या हम जिस पर क्लैरिटी चाहते हैं। जैसे सेक्शन 33 में ये कहते हैं कि इफ़ अ पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल फॉर विच नो पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 months और फाइन विच मे एक्सटेंड टू 500,000 rupees और विद बोथ। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कि सेक्शन 33 में अगर ऑफेंस डिफाइन ही नहीं है तो उसमें ये इतने एग्रेसिव एक्शंस क्यों हैं, और इस पे फिर हम इनके साथ मिलके समझना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। सेक्शन 33 इज अगेन इस लाइसेंस से रिलेटेड है कि लाइसेंस नहीं हो तो उसमें अगेन इम्प्रिजमेंट है और फाइन है 500,000 का। और सेक्शन 14 लास्ट में मैं इस तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ और इसको मैं पूरा रीड आउट कर रहा हूँ ताकि और क्लियरली ये मैसेज ट्रांसफर हो सके। Where an offence under this act has been committed by a company, every person who had the time of commissioning of the offence was in charge of the company shall be liable to punishment for the offence, and the company shall also be liable to punishment or fine or compensation specified for the offence. तो इसमें पूरी hierarchy cover हो जाती है, यानी वो front end पे जो manager से वो deal कर रहा है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ पूरी chain आ रही है। और इसका सेक्शन 2 है कि ऑफेंस इज एट्रीब्यूटेड टू नेग्लिजेंस ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजर्स, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स, दे शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट फॉर सच ऑफेंस। तो ये एक थोड़ा सा हार्श है और इसके ऊपर हम चाहेंगे कि आपकी गाइडेंस वगैरह हमें कुछ मिल सके, और मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक है, इसके बाद हम फ्लोर में इनको वापस देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।